प्लीज़ फ्रेंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आगे देखने से पहले मुरादाबाद दाल बनाते हैं चाट स्टाइल में, बहुत नाम सुना है और खाई भी है मैंने एक बार। तो ये मैंने दाल कम से कम 2 से 3 घंटे भिगो के रखी हुई थी, अब मैं इसमें सीटी लगाऊंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी। तो नमक, हल्दी, थोड़ी सी हींग, अब इसको मैं सीटी लगाऊंगी। जो बिल्कुल मतलब नहीं दाल होती है उतनी सीटी लगानी है मुझे इसमें, तो सीटी लगाने के लिए रख दिए फ्रेंड्स मैंने। हेलो फ्रेंड्स, और कैसे हैं आप? आज ज्योति जैन का आप सबको जय जिनेन। तो फ्रेंड्स, सुबह का नाश्ता मेरा हो गया था। सुबह नाश्ते में मैंने टिंडे बनाए थे, और उसके बाद इन लोगों का नाश्ता वगैरह होने के बाद आज कई दिन से ये कह रहे थे कि मुरादाबादी दाल, मूंग की दाल जो चाट की बनती है वो बना दो। तो आज मैं वो बनाने जा रही हूँ जो आप लोगों के संग शेयर कर रही हूँ मैं। दाल को 2 से 3 घंटे भिगो दीजिए, और उसके बाद जैसे आपने देखा कि मैंने कुकर में दाल ऐड करके और उसमें पानी हिसाब से, कि मतलब पानी इतना रखना कि दाल पतली ना हो और गाढ़ी गाढ़ी बिल्कुल लेहीदार दाल बने, और उसमें मैंने नमक, हल्दी और हींग ऐड करी है। तो आज मन में आया क्यों ना मुरादाबाद ये मूंग की दाल खाई जाए। एक बार मैंने खाई थी, मुझे किसी ने खिलाई थी और अच्छी लगी थी। तो ये तो मेरे हस्बैंड तो मुरादाबाद भी गए थे, तो वहाँ भी खा के आए थे, तो अच्छी लगी उनको ये दाल। घर में ज़्यादातर लोगों को पसंद है, मुझे थोड़ी कम पसंद है क्योंकि मैं मूंग की दाल कम खाती हूँ, लेकिन इन लोगों को बहुत अच्छी लगती है। और वैसे भी हेल्दी है, दाल है तो हेल्दी है और टेस्टी। चाट दाल को चाट का नाम दे दिया है, और इस तरीके से और भी ज़्यादा ये चटपटी हो गई है। तो फ्रेंड्स देखिए मैं किस तरीके से इसको बनाती हूँ। अभी फ़िलहाल दाल में सीटी लगाने के लिए रख के आई हूँ, 3-4 सीटी देनी है जो अच्छी तरह मेरी दाल घुट जाए, बिल्कुल एकदम से घुटी घुटी हो जाए। और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ फिर इसमें क्या क्या ऐड होता है। पहली सीटी आई है फ्रेंड्स, अभी इसमें सीटियाँ आनी है, धीमी आंच पे रख दी है मैंने, जिससे मेरी दाल बहुत अच्छी तरीके से घुट जाएगी ये। और कुछ ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं है, अच्छी बन। अब मैंने ये बंद कर दिए, 2 सीटी आने के बाद तीसरी जैसी आनी हुई मैंने बंद कर दी इस गैस को, और इसे अभी बंद ही रहन दूंगी क्योंकि बंद में और अच्छी तरीके से ये घुट जाएगी, इसे खोलूंगी नहीं अभी मैं। और उसके बाद जब ये बिल्कुल अच्छी तरीके से इसकी सीटी निकल जाएगी, तब मैं इसके बाद जो इसमें मसाले वगैरह ऐड करने हैं वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी किस तरीके से ये चाट बनती है। मुरादाबाद में जाते हैं फ्रेंड्स, तो बहुत लोग ये चाट खाना बहुत पसंद करते हैं, बहुत टेस्टी लगती है। मेरे को पहले नहीं पता था, मुझे जब किसी ने खिलाया और ये भी गए थे तब ये बता रहे थे बहुत अच्छी चाट मिलती है वहाँ पे, क्योंकि हर जगह की एक चीज़ मशहूर होती है, और वो तो हमें जब भी पता चलता है जब कोई या तो खिला दे या मतलब फेमस सुनते सुनते नाम आ जाए। जैसे आगरे का पेठा बहुत मशहूर है, और दिल्ली की चाट बहुत मशहूर है, मेरठ में हलवा पूड़ी नौचंदी के मेले में मिलती है वो भी बहुत अच्छी लगती है। तो इस तरीके से ये सारी जितनी हमारी जगह वगैरह जितनी फेमस जगह उनकी एक एक चीज़ जरूर फेमस होती है, और इस तरीके से ये मुरादाबाद की चाट फेमस है, मूंग की दाल की चाट। अरे फ्रेंड्स अपनी दाल देख लेते हैं कितनी हो गई है, अभी सीटी है, सीटी निकाल देते हैं इसकी। दाल कितनी अच्छी हो गई है, कितनी अच्छी तरीके से घुट गई है, ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल इसका एक दाना नहीं दिखना आपको दाल का। इस तरीके से इसको घोटनी है बिल्कुल हलवे की तरह।
देखिए फ्रेंड्स, देखिए बिल्कुल हमारी दाल अच्छी घुटी घुटी हो गई है। अब हम इसे, मैं आपको बताती हूँ चाट किस तरीके से बनती है इसकी। बारीक कटे कटे टमाटर हैं ये, अदरक हैं, कद्दूकस करा हुआ, प्याज है, चाट मसाला, भुना हुआ जीरा पिसा हुआ बिल्कुल बारीक, बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, काला नमक और नींबू का रेशा। तब फ्रेंड्स बनाना शुरू करते हैं हम चाट को। दाल लेनी है, दाल ऐड करने के बाद हमें इसमें भुना जीरा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसके भुने जीरे का, इसमें थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा चाट मसाला, प्याज, हरी मिर्ची, थोड़े से टमाटर, थोड़ी अदरक, और फ्रेंड्स लास्ट में इसमें जाएगा थोड़ा सा नींबू का रेशा। ये देखिए इस तरीके से। तो फ्रेंड्स हमारी चाट बनके तैयार है और बहुत ही टेस्टी लगती है चाट। ये देखिए फ्रेंड्स, देखने में अच्छी लग रही है तो खाने में तो और भी अच्छी। आपने देखा फ्रेंड्स मूंग की दाल, मुरादाबादी की दाल चाट कैसे बनी। आप लोगों के संग पूरी रेसिपी मैंने शेयर करी है, तो आप लोग भी घर पे जरूर बनाना अपनों के लिए, और उनको खिलाना और उनसे पूछना आपने उनके लिए कैसा बनाया है। चलिए फ्रेंड्स अब आप भी बताइए ऐसी बनी है। लीजिए फ्रेंड्स कैसी बनी है बताइए। बहुत टेस्टी होनी है, तो जरूर बनाना फ्रेंड्स ऐसे चाट। फ्रेंड्स अभी मैंने फिलहाल मुरादाबादी चाट बना ली है और मेरा लंच भी तैयार है। चलिए फ्रेंड्स ये प्लेट मेरे हस्बैंड के लिए लग के जा रही है, अब वो बताएंगे कैसी बनी है। तूने दाल खाई भाभी ली, कैसी बनी है? बढ़िया बनी है। बता किस किस चीज का स्वाद आ रहा है इसमें दाल में का? इसमें आया अदरक का, नींबू का, और सबसे अच्छा फ्लेवर इसमें आई अदरक का रहा है, अदरक और चाट मसाला का, है ना। देखा फ्रेंड्स हमारे घर में सबको पसंद आई है, तो आप भी जरूर बनाना और खाके खाना भी और खिलाना भी और पूछना भी कैसी बनी है। चलिए फ्रेंड्स शाम की इस चाय के साथ मैं अपने ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। कल फिर मिलती हूँ आपसे एक नई रेसिपी नए ब्लॉग के साथ। प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इसको पसंद कीजिए और अपना आशीर्वाद दीजिए। ओके बाय बाय।